तुम। मैं सही कह रही हूँ जोगिन, परी ही हमारे घर की बहू बनने के लायक है। वो समझदार है और वो बाहरी भी नहीं है। प्लीज जोगिन, इस शादी के लिए हाँ कह दो। बॉर्डी, ऐसा तुमसे किसने कहा? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बॉर्डी, तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ, ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में किसने डाली? जोगिन, मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। अरे जोगिन बाबू, आप कब आए? अच्छा हुआ सही समय पर आए। मैंने चाय चढ़ाई है, आपके लिए भी पानी बढ़ा देती हूँ। बंद करो अपना ड्रामा और चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद मेरे सामने मत आना। क्या बात है जोगिन बाबू, तुझसे कोई गलती हुई? तुमसे गलती कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता था इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक गंदा दिमाग छुपा हुआ है। जोगिन, ये क्या तरीका है परी से बात करने का? चुप हो जाओ। बॉर्डी, तुम बहुत बोली हो, इसने बहुत सी चालें चली हैं। जोगिन बाबू, लगता है आप बहुत गुस्से में हैं। मैं बाद में आती हूँ। हैरो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर की रानी बनने का ख्वाब छोड़ दो, वरना ऐसा झटका लगेगा कि अपने गांव जाने लायक भी नहीं रहोगी। जोगिन बाबू, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। हाँ, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रही हो। तुम दो कौड़ी की लड़की, ना जिसके खानदान का पता है ना माँ बाप का। उसे आसमान में उड़ने के सपने देखने का कोई हक नहीं है, समझी तुम? अब दफा हो जाओ यहां से। सच कहा आपने, मुझे सपने देखने का कोई हक नहीं है, लेकिन इतना जानने का हक जरूर है कि किस बात के लिए आप मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। आखिर क्या किया है मैंने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी से अपने बारे में शादी की बात करने की, वो भी मुझसे? कक्की ने अगर तुम्हें पाल पोस के बड़ा ना किया होता ना, तो अब तक धक्के मार के यहां से निकाल दिया होता। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। बाबा और काका सही कहते थे, तुम में जरा सी भी अकल नहीं है। अरे उस बिचारी को तो पता ही नहीं कि मैं उसके बारे में तुमसे बात कर रही हूँ, और तुमने बिना कुछ सोचे समझे उसे क्या क्या कह दिया।